एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो हरियाली से भरे हुए पहाड़ों और मेंढकी सी बहती हुई नदियों के बीच बसा हुआ था, वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक व्यावसायिक आदमी था, जीवन की तथ्यों में स्थिर रहने वाला और उसकी समझ के परे कुछ पर विश्वास नहीं करने वाला ऐसा व्यक्ति था। उसके आसपास की सांस्कृतिक समृद्धि के बावजूद उसने धार्मिकता के रहस्यमय क्षेत्रों में कम प्रवेश किया। एक रात अर्जुन ने एक सपना देखा जो उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। उसकी नींद में भगवान शिव की दिव्य प्रतिमा उसके सामने प्रकट हुई। शिव की माथे पर चमकती तीसरी आंख, गर्दन में सर्पों का विन्यास और बालों में चंद्रमा का चिन्ह अर्जुन के मन में स्थायी प्रभाव छोड़ गए। हालांकि जागने पर अर्जुन ने सपने को अपनी कल्पना का कल्पना ही माना। उसने अपने जीवन की चुनौतियों का सामना किया और कई बार ऐसे क्षणों का सामना किया जब उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। इन संघर्षों के बीच अर्जुन ने उस अदृश्य हाथों के साथ यह सब झेलते हुए भी, जो उसको प्रत्येक संघर्ष में मार्गदर्शन करते थे, वह उस दिव्य सहायता के प्रति अनजान रहा। वर्षों बाद अर्जुन का जीवन उतार चढ़ाव के साथ बढ़ता रहा। हर बार जब भी वह निराशा की कगार पर पहुंचता, एक रहस्यमय बल अव्वल में दिखाई देता था जो उसे आने वाले आपदा से दूर ले जाता था। इस दिव्य सहायता के बावजूद अर्जुन सच्ची खुशी नहीं पा सका। टर्निंग पॉइंट तब आया जब अर्जुन ने अपनी आखिरी सांस ली। अपनी हैरानी में उसने खुद को भगवान शिव के दिव्य साम प्रेजेंस में पाया। भगवान अपने करुणामय रूप में अर्जुन से बातचीत करते हुए उसके जीवन के रहस्यों का पर्दाफाश करते हैं। शिव ने हर वक्त, बड़े और छोटे, जब भी वह किसी संकट में था और कैसे ही किसी की भी तबाही से बचा जाता था, सभी क्षणों को याद किया। अर्जुन के आंखों के सामने दृश्य खुले जो करीबी बचते, समय परीक्षण और जो नीतिमान मार्गदर्शन करती थी, जिसने उसके भविष्य को रूपांतरित किया। अर्जुन को अनुभव से ओवर हेलमेट उसने रोना शुरू किया। शिव की कृपा की गहरी अवगाहन को महसूस करते हुए उसने अपनी जीवन की हर किसी गलतफहमी के लिए बहुत आपत्ति की। शिव, तुम्हारा सपना मेरे सामने बहुत समय पहले आया था, लेकिन मेरे मूर्खता में मैंने यह मानने में विफल रहा। जवाब में शिव हंसी में मुस्कराए, एक हंसी जो केवल अनंतता के ज्ञान को दृढ़ करती थी। मेरे प्यारे अर्जुन, पछताओं का घेरा ना करो। जीवन एक सपना है और तुम अब भी बहुत जीवंत हो। उस क्षण से अर्जुन का दृष्टिकोण एक गहरे परिवर्तन का सामना करने लगा। वह भगवान शिव के भक्त के रूप में प्रकट हुआ। अपना शेष जीवन दिव्य शिक्षाओं को फैलाने, शिव के नाम का प्रचार प्रसार करने और अनुभव साझा करने का कारण बना।